नमस्कार, घरेलू नुस्खे माँ के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पेट के इन्फेक्शन की। पेट में संक्रमण होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मानसून का मौसम आ रहा है और गर्मी में, तो बहुत जल्दी जल्दी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के रीजन तो बहुत सारे होते हैं, पानी की कमी से भी होता है और कहीं इधर उधर का पानी पी लेने से भी हो जाता है, और बरसात के मौसम में तो ऐसे भी हो जाता है, उल्टा सीधा खाने से भी हो जाता है। अगर पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी सेहत ही खराब हो जाती है। कहते हैं ना, पेट दुरुस्त तो सेहत दुरुस्त। चाहे जब आपके पेट में अगर किसी के इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको डायरिया हो जाता है, चाहे लूज मोशन होता है, पेट में दर्द होता है, चाहे फीवर होता है, बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, लेकिन बिना दवाइयों को कैसे ठीक करेंगे? लाजवाब नुस्खा लेकर मैं आपको। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे इस तरह के सभी नुस्खे आपको मिलते रहे। सबसे पहले, पेट में इन्फेक्शन बड़े के छोटे के किसी के भी हो सकता है, तो एक सबसे सटीक नुस्खा ऐसा देती हूँ जो कभी भी इन्फेक्शन हो तो आपकी किचन में वो चीज मिलेंगी। आपको पेट में दर्द का एहसास हो रहा हो, आपको लग रहा है हमने कुछ बाहर का उल्टा सीधा खा लिया, या बरसात के मौसम में कुछ फल कुछ अनाज इस तरह के हैं जो हमें नुकसान भी दे जाते हैं, तो आपको करना क्या है, एक बहुत छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी में जितना आता है, एक पिंच आपको लेना है हींग, और एक ही पिंच आपको लेना है काली मिर्च का पाउडर। घर में काली मिर्च का पाउडर भी होता है, काली मिर्च पिसी हुई, और हींग आपके घर में है, अदरक आपके घर में है। अदरक का जो आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है उसको अच्छे से कूट लीजिए, उसी में हींग डाल लीजिए और उसी में काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए, और जब उसको अच्छे से कूटेंगे तो एक कितना सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। मैं समझती हूँ चाय की आधा चम्मच पौना चम्मच के करीब आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को खाइए और उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। पेट के अंदर का सारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आंतें दुरुस्त हो जाएंगी, पेट बढ़िया और मजबूत हो जाएगा, पेट का दर्द गायब हो जाएगा, और जो संक्रमण लगा भी है थोड़ा मोड़ा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बरसात के मौसम में ये नुस्खा तो आप जरूर अपनाइएगा, गर्मी और बरसात में स्पेशली इन चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा आप खाली पेट अगर दो लौंग खा लेते हैं, दो लौंग, मैं हमेशा बताती हूँ लौंग आपको कैसे यूज करनी है, जो लौंग होती है उसके ऊपर एक फूल होता है गोल गोल सा, उसको हटा दीजिए फिर आप यूज करिए, क्योंकि जो फूल होता है वो ज्यादा गर्म होता है, उसकी तासीर ज्यादा गर्म होती है, तो आप उसे हटाकर फिर वो दो लौंग खाली पेट अगर आप मुंह में डाल लेते हैं, उसका रस आपके पेट में जा रहा है, फिर आपने चबा लिया बाद में, वो बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा जितने भी दिन ये सीजन बरसात का चल रहा है, मानसून चल रहा है, इस दौरान आप दो कली लहसुन प्रातः काल उठकर छील कर और थोड़ा थोड़ा उसको कूट कर या काट कर और थोड़े गुनगुने पानी के साथ अगर आप खाने की आदत डाल लेते हैं तो पेट में इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो ये इतने जबरदस्त नुस्खे हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि आप अपने घर की किचन से ही कर सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा लग रहा है कि स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले अर्ली स्टेज पर आप ये घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, इतनी आसानी से आपका। तो आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।